भारत के स्टार जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने नए सत्र की शानदार शुरुआत करते हुए दोहा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोहा डायमंड लीग का फाइनल मैच दोहा के कतर स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया, जहां नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंका और इस खिताब को जीतने की दावेदारी पेश कर दी। नीरज का ये थ्रो इस मैच का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। हालांकि नीरज एक बार फिर से 90 मीटर बैरियर को पार करने में सफल नहीं रहे। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से बदला ले लिया। दरअसल पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में एंडरसन पीटर्स ने ही नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। एंडरसन पीटर्स इस मैच में तीसरे स्थान पर रहे और दूसरे स्थान पर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले जैकब वर्डलेचेस रहे। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंका, अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने 86.04 मीटर, तीसरे प्रयास में 85.47 मीटर, चौथा प्रयास उनका फाउल रहा, जबकि पांचवे में 84.37 मीटर और छठे प्रयास में उन्होंने 86.52 मीटर भाला फेंका। वहीं इस लीग की फाइनल स्टैंडिंग की बात करें तो पहले स्थान पर भारत के नीरज चोपड़ा रहे, जिन्होंने 88.67 मीटर दूर भाला फेंका। दूसरे स्थान पर चेक गणराज्य के जैकब वटलेचेस ने 88.63 मीटर दूर भाला फेंका। तीसरे स्थान पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 85.88 मीटर, चौथे स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर 82.62 मीटर, पांचवे स्थान पर मोल्डोवा के एंड्रियन मड्रारे 81.67 मीटर, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशॉन वॉलकोट ने 81.27 मीटर, सातवें स्थान पर जापान के रोड्रिक जी डेन ने 79.44 मीटर और आठवें स्थान पर यूएसए के कार्ट्रिस थॉम्सन ने 74.13 मीटर दूर भाला फेंका। आपको बता दें कि दोहा में हो रहे ये इवेंट डायमंड लीग सीरीज का पहला चरण है। इसका समापन 16 और 17 सितंबर को यूजीन में डायमंड लीग फाइनल के साथ होना है।